झूठे संसार के लिए पचने मरने को परिश्रम नहीं करते। अब प्रत्येक व्यक्ति बैठा बैठा सोचे भाई हम तो बड़ी मेहनत करते हैं, महाराज जी आपको क्या पता कितनी मेहनत हम सुबह से शाम तक करते हैं। इसलिए मैंने स्पष्ट करके कहा कैसा परिश्रम, आप भूल गए हो तो मैं आपको पुनः स्मरण करा दूं। मैंने आपसे कहा था कि जैसे नींबू की डली होती है ना, थोड़ी निचोड़ो तो खट्टी, बहुत निचोड़ो तो खट्टी, निचोड़ते निचोड़ते आप भी निचुड़ जाओ तो भी खट्टी, वो तो मीठी होगी नहीं। ऐसे ही ये संसार है, आप मर जाओ इसके लिए, ये तो आधा अधूरा था और आधा अधूरा रहेगा। ये तो ना आप पूरा हो सकता है ना आपको पूरा कर सकता है। कहा था ना मैंने आपसे, व्यक्ति संबंध बनाता है किसी से, भाई मुझे मुझे पूर्णता का अनुभव हुआ, आई जस्ट वॉन्ट टू फील कंप्लीट। व्यक्ति यही सोचता है भाई मुझे ये संबंध बन जाए मेरा, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू फील कंप्लीट। और होता क्या है, वहां दो अधूरे मिलते हैं और जीवन में और अधूरापन बढ़ जाता है। जीवन का गणित कुछ और है, यहां माइनस माइनस प्लस नहीं होता है। एक एक गणित ऐसा है उसमें माइनस माइनस प्लस हो जाता है, हो जाता है ना, ऐसा कोई सूत्र होता है ना माइनस माइनस प्लस, क्योंकि मैं तो बिल्कुल जीरो हूं इस मामले में, हो जाता है ना। लेकिन फिर भी मैंने ऐसा सुना है माइनस माइनस प्लस भले हो जाए लेकिन उसके आगे जो साइन रहता है वो माइनस का ही रहता है, ऐसा ही होता है ना। अब माइनस टू और माइनस फोर हुए तो प्लस, लेकिन माइनस सिक्स हुए, बिल्कुल ऐसा ही जीवन है। मुझे लगा इस प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा, नहीं बिल्कुल अनपढ़ तो नहीं हूं मैं, बस ऐसे ही दो अपूर्ण जुड़े, लगा तो कि एक हो गए पर हुआ क्या। द जेस्ट इज, वो जो अपूर्णता है, वो जो अधूरापन है, वो और बढ़ गया और खींचादारी जीवन में बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आप वो करने में लगे हो जो आप कर ही नहीं सकते, आप किसी को पूर्ण करने में लगे हो, आप कर ही नहीं सकते। इसीलिए गत सत्र में मैंने आपको कहा था भाई जब तक ये दौड़ बाहर की तरफ रहेगी, आपकी विधि आपकी प्रक्रिया कोई भी हो, अंतिम परिणाम शून्य है, शून्य। इसलिए संतों ने बहुत समझ कर ये बात कही, उसी को प्रेम कहना जो साहेब की तरफ देखे, जो साहेब की तरफ लेकर जाए, जो साहेब से मिलाए। संबंध वस्तुतः वही ना जो आपके जीवन के अभाव को दूर करे। अरे नहीं तो आप अकेले ही भले हो, और खींचादानी बढ़ाने की क्या आवश्यकता है। पर ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार, माता पिता जिस दुख को देख कर आते हैं, माता पिता अपने जीवन के जिस द्वंद को देख कर आते हैं, अपने बालक को बड़ी प्रसन्नता से ढोल बजाकर बैंड बजाकर उसी में धकेलते हैं, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। तभी तो संतों ने बस दूर से इसको प्रणाम कर दिया, भाई इसका कोई कारण तो बुद्धि से समझ में नहीं आता है, कारण तो आप इसका कोई नहीं खोज सकते। इसलिए भाई क्या है, भगवान की माया है, इसको प्रणाम करना चाहिए बस। ध्रुवदास जी एक बात कहते हैं, तेई भय जगत ते न्यारे जिन वृंदावन चंद्र संहारे। दो अर्थ हैं इसके, एक तो ये कि जिसने भजन भाव को संभाला वो जगत से न्यारा हो गया, पर मुझे लगता है कि मैं अपने ऊपर घटाऊं तो मुझे लगता है जिसको प्रभु संभाल लेते हैं भाई वो जगत से न्यारा हो जाता है, प्रभु जिसकी संभाल करते हैं। जे ही राखे रघुबीर ते उभरे ते ही काल महा। जो भी छोटे से बच्चे ने प्रश्न पूछा ना कि आप बचपन में किसका भजन करते थे, हमको तो पहले भी भजन करना नहीं आता था, अब भी भजन करना नहीं आता। आंख खुली हो या आंख बंद हो, कोई भी समय हो, तो एक ही बात का मैं तो बार बार अनुभव करता हूं, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा। इसीलिए तो इतने आनंद में भरकर मैं गाता हूं, क्योंकि मेरे जीवन का अनुभव है। भला भया मेरी मटकी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली बला। और मैं तो पीछे मुड़ के देखूं तो ठाकुर जी मेरे सर की हर भला आज तक टालते ही आए हैं।